हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शीला का किचन। तो आज हम बनाएंगे कच्चे आम से कैंडी। इसे हम कच्चे आम का जैम भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा शेप में बनाएंगे तो बच्चों को ज़्यादा पसंद आएगा, और ब्रेड में स्प्रेड करके भी खा सकते हैं इसको। और ये फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा, और बाहर रखेंगे तो इसे 1-2 महीने आराम से चल जाएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ली है ये कैरी, और इसको हम छील लेंगे। और ये कैरियों को मैंने छील लिया है, और अब हम इसके पीस कर लेंगे। और इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे इस तरह से। गुठली को हम अलग निकाल लेंगे। और इन सभी को मैंने काट लिया है, और ये गुठली बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए इनमें। ये बिल्कुल अच्छे से हटा देंगे, क्योंकि ये कच्ची थी गुठली, और ये कड़वापन भी आ जाएगा अगर इसमें रह गई तो। इसे मैंने पूरी तरह से हटा दिया है, और अब मैं इसे बॉईल कर लूँगी। और इसे मैंने 1 सीटी लगने तक बॉईल कर लिया है, और इसमें मैंने आधा गिलास पानी डाला था, और अब मैं इसे पूरी तरह से ठंडा करके मिक्सी में पीस लूँगी। और इसे मैं पानी को मैंने हटाया नहीं है, इसी पानी के साथ हम पीस लेंगे। और ये मैंने पीस लिया है, और अब मैं इसे एक छन्नी से छान लूंगी। और इसका जो ये फाइबर है, ये हमें हटा देना है। और इसको अलग कर देंगे। ये थोड़ा सा जाली टाइप आ जाता है, इसलिए बिल्कुल प्लेन नहीं बनेगी हमारी कैंडी। इसको अलग हटा लेंगे, और इसी तरह से मैं ये सारा छान लूँगी। और ये मैंने छान लिया है, और अब हम इसे पका लेंगे। और इसे पकाने के लिए मैंने ये कढ़ाई रख ली है, और गैस को मैंने मीडियम लो फ्लेम पे कर रखा है। और जितना ये कैरी का पल्प था, उतनी मैं चीनी ले रही हूँ, 1 कटोरी से थोड़ा सा कम, और इसको इसमें मिला लेंगे। और इसको लगातार ही चलाते रहेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ग्रीन कलर, ताकि बिल्कुल नेचुरल लगे ये।
इसका कलर बिल्कुल नेचुरल आ रखा है, मार्केट जैसी कैंडी की तरह, जैसे हम कच्चा आम लाते हैं। और ये खाने में भी उससे ज़्यादा ही टेस्टी होगी। और ये बड़ों को तो पसंद आएगी, बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है। और अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगी। और इसे पकने में 7 मिनट लगे हैं और इसकी थिकनेस इतनी ही होनी चाहिए। और अब मैं इसे एक ट्रे में डाल लूँगी। और ये सभी में मैंने डाल लिया है और 15 मिनट के लिए मैं फ्रीजर में रख दूंगी इसे सेट होने के लिए। और इसे रखे हुए फ्रिज में 15 मिनट हो गए थे, मैंने निकाल लिया है और अब हम पीस को निकाल लेंगे। और ये बिल्कुल आराम से निकल जाएंगी। तो ये कच्चे आम की कैंडी बनके हमारी तैयार हो गई है।